18 अक्टूबर को श्री एस के सोमयाविनय मंदिर सेकेंडरी और जूनियर कॉलेज के 200 से अधिक छात्राओं ने खादी महोत्सव 2023 में खादी के प्रचार के लिए रैली में हिस्सा लिया। ये रैली स्कूल से विद्याविहार रेलवे स्टेशन RN गांधी रोड होकर राजावाड़ी हॉस्पिटल, राजावाड़ी पोस्ट ऑफिस, राजावाड़ी गार्डन होते हुए स्कूल में आकर पूरा हुआ, जिसमें ह्यूमैनिटेरियन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन NGO ने खादी ग्राम उद्योग आयोग के साथ साझेदारी में इस महोत्सव का आयोजन मुंबई में अलग अलग जगहों पर किया। इस मौके पर KVIC के डायरेक्टर योगेश भामारे, HWARF NGO की फाउंडर क्रिस्टीन स्वामीनाथन, रायचंद एस स्वामीनाथन ट्रस्टी, प्रेम पंजाबी ट्रस्टी, श्राइन एस स्वामीनाथन ट्रस्टी, बाबिना शेख असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इस्माइल यूसुफ कॉलेज, SK सोमयाविनय मंदिर सेकेंडरी स्कूल और जूनियर कॉलेज की प्राध्यापिका स्मिता भोसले और सहायक प्रधान अध्यापिका अमिता पटेल व कॉलेज की टीचर सहित कई मान्यवर इस मौके पर मौजूद रहे। खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन, खादी फॉर ट्रांसफॉर्मर मिशन, बी वोकल फॉर लोकल, बाय खादी एंड आत्मनिर्भर भारत के स्लोगन का नारा देते हुए खादी महोत्सव पर बल दिया गया। महाराष्ट्र सरकार महोत्सव के तौर पर इस अभियान को चला रहा है। आज श्री SK सोमया विनय मंदिर सेकेंडरी स्कूल और जूनियर कॉलेज की तरफ से हमारे सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों ने एक शॉर्ट रैली किया और इस खादी महोत्सव और खादी डे सेलिब्रेशन किया। हमको गर्व महसूस होता है कि हमने हमारे ओर से, हमारे बच्चों के ओर से, हमारे टीचर स्टाफ फैकल्टी की ओर से हमारा कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नेशन दिया है। खादी, इट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द सिंबल ऑफ आवर नेशन एंड दैट्स वायर वी आर प्रिविलेज हियर टू सेलिब्रेट खादी डे in this Khadi Mahotsav, which is held between 2nd October to 31st October. We are honored to celebrate Khadi Mahotsav with this team. हमारे बच्चों ने आज खादी महोत्सव के लिए रैली निकाली। खादी अपने लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि खादी ऐसे तो पहले बहुत सालों से यहाँ पे बनाई जा रही है, लेकिन गांधी जी ने वो खादी जो है वो खादी को स्वदेशी, मतलब दूसरे ब्रिटिशर्स को यहाँ पे निकालने के लिए, अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खादी का जो इम्पोर्टेंस दिया था, और आज बच्चों में वही इम्पोर्टेंस हम जागरूकता कर रहे हैं, तो इसके लिए भविष्य में वो भी खादी को मानने लगेंगे, अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने में उतना उनका बहुत सहयोग रहेगा, ऐसा मैं मानती हूँ। थैंक यू सो मच। कृष्ण जी, क्या कहेंगे आज तीसरा महोत्सव का आयोजन अलग अलग स्कूल कॉलेजेस में होने के बाद सोमैया में पहुँचे हैं, कितना सपोर्ट मिल रहा है लोगों का? पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रिंसिपल मैडम को। विनय मंदिर है हमारे जो कॉलेज है SK सोमैया विनय मंदिर, उन्होंने इतना सपोर्ट किया कि उन्होंने बच्चों को रैली पे यहाँ पे निकाला, और मुझे लगता है कि यहाँ के जो थर्ड हमारा जो कैंपेन है वो भी बहुत सक्सेसफुल हुआ है, और बच्चों के माध्यम से हम काफ़ी सारे मैसेज दे रहे हैं, और ये चेंजेस मैंने देखा है कि काफ़ी सारे रोड के ऊपर भी खादी बिक रही है, और मुझे लग रहा है कि इस द्वारा, मतलब जो बच्चों के द्वारा, जो टीचर्स के जो बोलने से बच्चे अडॉप्ट करते हैं, तो आई थिंक बहुत सारे चेंजेस होंगे, और ये कंटिन्यू हमारे जो कैंपेन चलते रहेंगे उसमें बहुत सारी चेंजेस मिलेगी, और बी वोकल फॉर लोकल, खादी पहनो बार बार, आप खादी अपनाओ और धीरे धीरे करके आउट कीजिए और इंडियन वेयर को प्रमोट कीजिए। HWARF और KYC के सहयोग से आप ये प्रोग्राम चला रहे हैं, क्या कहेंगे? ये हमारा जो KVIC के साथ में जो प्रोजेक्ट है ये सिर्फ 2nd अक्टूबर 31st अक्टूबर से भी ज़्यादा चलने वाली है, क्योंकि हमें यहाँ पर एक्सपीरियंस मिल रहा है, काफ़ी लोग ने हमको सपोर्ट किया है इसमें, और स्पेशली स्टूडेंट्स की सपोर्ट ज़्यादा है, और हमारे मतलब जो वेबसाइट्स वगैरह है हमने वो लिंक कर दिए है, कॉलेजेस के साथ टैग किया है, PMO ऑफिस में टैग कर लिया है, तो आई थिंक मैसेज बहुत स्पीड से जा रही है और काफ़ी सारे चेंजेस दिख रहे हैं, काफ़ी लोग ने यहाँ पर खादी पहना हुआ है, और मुझे लग रहा है कि
इसी माध्यम से हम चलते रहेंगे। हमारे फोर्थ कैंपेन के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम खादी का पूरा एग्जीबिशन कर रहे हैं 23rd, 24th, 25th BNM कॉलेज और गंभीर चंद सुनंदा नर्सिंग डिपार्टमेंट है हमारे सेवा मंडल एजुकेशन सोसाइटी। तो आई थिंक ये कैंपेन चलता रहेगा 31st तक और हम इसको प्रमोट करते रहेंगे और थैंक यू एवरीबडी फॉर सपोर्टिंग। महोत्सव था, किस तरीके से सपोर्ट मिला लोगों का और कितने एक्साइटमेंट है आने वाले दिनों की तैयारी के लिए? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। सबसे पहला ये जो स्कूल एंड कॉलेज है श्री SK विनय मंदिर, सो दिस इज़ अ गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट नंबर वन, और ये सब चीज़ नॉर्म्स फॉलो करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर, जैसे आपने एंट्री में ही देखा होगा कि यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है जो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रंस होते हैं उनके काम आने के लिए। सो जो मैम है स्मिता भोसले मैडम और अमिता मैडम, इनके लीडरशिप में स्कूल और कॉलेज दोनों ही बहुत अच्छा कर रहा है। और रही बात फ्यूचर रैलीज की, तो अभी 3 हुए और 12 बचे हुए, सो और ज़ोर से करेंगे और खादी को प्रमोट तो करना ही करना है। एंड वन मोर थिंग, मैं हर बार कुछ फैक्ट देता हूँ, तो इस बार फैक्ट ये है कि खादी इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू जस्ट आर नॉर्मल ट्रेडिशन, जिसे आप देख सकते हो डिज़ाइनर खादी भी आते हैं। सो आजकल खादी जॉगर्स, खादी ट्रैक पैंट, सब जिम में भी खादी पहन सकते हो, कैजुअल्स में भी खादी पहन सकते हो, फॉर्मल्स में भी खादी पहन सकते हो। सो इट इज़ खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन एंड खादी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। थैंक यू मैम।